नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 44 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, फ्लाई ऐश है तो फ्लाई ऐश क्या होता है? ऑप्शन सी, ऐश के लघु कण होते हैं फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ाना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो ऑप्शन डी, आबादी का बढ़ाना, ये सबसे मेन रीज़न है जो कि ये सब कमी आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है और आगे आपको क्या कहता है कि कूट द्वारा आपको उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा। मतलब पहला कथन भी सही है। पहला कथन क्या कहता है कि यह भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। और क्या कहता है आपको बता देता हूँ। दूसरा कथन कहता है, यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। और तीसरा कहता है, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? ऑप्शन बी, उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं? ऑप्शन डी, सतही सिंचाई के लिए अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो ऑप्शन ए, कूट द्वारा बताना है, पहला, दूसरा, चौथा। पहला है प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है ईंधन और बिजली और चौथा है विनिर्मित उत्पाद। अगला है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन है, दमन द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? ऑप्शन बी, 8। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में मोनाको में आयोजित समारोह में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन सी, इलियुड किपचोगे। अगला है, इबू मोरालोस ने किस देश के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया? ऑप्शन सी, बोलिविया। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है, सांप की इस नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन बी, ट्रेकिसियम आप्टे। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध के परीक्षण हेतु
पेपर आधारित सेंसर विकास किया है? ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस प्रतियोगिता आईआईटीएफ चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए हरमीत देसाई। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया? ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है, 29वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन सी गोटाबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन आपका है, अश्रु गैस है तो अश्रु गैस क्या होती है? ऑप्शन ए अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन डी संतरे में विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के ई बराबर एमसी स्क्वायर समीकरण में स्मॉल सी जो है वो घोतक है? ऑप्शन बी प्रकाश वेग का। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी नियान और पारद बाष्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? ऑप्शन बी पीलिया यकृत। ओके, पीलिया में क्या होता है, यकृत को प्रभावित करता है। अगला है, जल के लिए पीएच मान होता है तो जल के लिए पीएच मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है ऑप्शन सी जल का बहाव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आगे कहता है उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला तीसरा। पहला है गरबा जो कि है गुजरात और तीसरा है यक्षगान जो कि है कर्नाटक। अगला है, नागर द्रविण और बेसर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है?
ऑप्शन सी मक्का। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान रहा। ऑप्शन सी 24%। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जहांगीर। अगला निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट द्वारा आंसर बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ओके, कथन क्या कहता है, कन्नौज जो है वो इत्र का शहर है, ये बिल्कुल सही है, और कारण जो बता रहा है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ऑप्शन बी बस्ती। अगला है, निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। अगला है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले खालिस्तान हैं? ऑप्शन डी आगरा और कानपुर। अगला है, कौन सा पर्व है जिस दिन राम और माँ दुर्गा की पूजा एक ही अवसर पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए दशहरा। और आज का लास्ट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई है लगभग? ऑप्शन ए 302 किलोमीटर। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।